ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं एंड ये आज मुझे पार्सल दे गए हैं एंड देखते हैं कि ये कैसे है एज सेटिस्फाइंग और आई नीड टू रिटर्न इट। सो वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखें एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का सपोर्ट ज़रूर करें। सो रेडी होके मैं वीडियो बनाती हूँ। इसका जो टॉप है कुछ इस तरीके का प्यारा सा क्रॉप टॉप आपको मिलने वाला है जिसके ऊपर वी नेक है, स्ट्रिप्स पैटर्न दिया है और सीक्वेंस का वर्क है। और सीक्वेंस वर्क आपको पता ही है कि नाइट में या फिर लाइट इफेक्ट में कितना प्यारा लुक देता है, तो इवनिंग या नाइट पार्टी में आप इसको इजीली और बहुत ही प्रिटी लुक दे सकते हो। और इसको बैक साइड से बिल्कुल भी लाइक प्लेन पैटर्न दिया है और साइड से इसको जिप क्लोजर दिया है ताकि इजीली आप इसको वेयर कर सको। और मैंने इसको स्टिच करवाया है एंड इसमें जो कप्स थे वो मैंने निकलवा दिए है। इसमें जो कप्स है बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कप्स मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकती थी। अगर आपको ये ड्रेस प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है ना, तो अगर इसको स्टिच करवाना है तो आप सेंटर से ऐसे स्टिच कर सकते हो, क्योंकि इसके एक साइड में आपको जिप क्लोजर दिया है तो मैंने इसको इस तरीके से सेंटर से आप देख सकते हो स्टिच करवा के मेरे साइज में करवा लिया है। ये क्रॉप टॉप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद में देखते हैं इसका जो बॉटम वेयर है उसका पैटर्न, वो बैक साइड से इलास्टिक फिट किया गया है ताकि ईजिली आप उसको एडजस्ट कर सको। और फ्रंट से ये काफ़ी प्लेन है क्योंकि आप जब जैकेट वेयर करोगे तो फ्रंट का जो पार्ट है पूरा ओपन है और इलास्टिक के साथ में ये लुक अच्छा नहीं लगता है, तो ये प्लेन वाला जो लुक है काफ़ी प्यारा है। और इस तरीके से इसका जो पैटर्न है ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और इसका हाइट अकॉर्डिंग टू माई हाइट लाइक आई एम 5.1 तो मुझे ये परफेक्ट हो रहा है। और थोड़ा सा अगर आप हिल वेयर कर लो ना तो इट इज़ वेरी परफेक्ट। सो इस तरीके का आपको जैकेट मिलता है और वेयर करने के बाद में काफ़ी प्यारा है। इसको फ्रंट साइड से पूरा सीक्वेंस लेस लगाया है और ये जो पैटर्न है ना नीचे के साइड में ये जो पैटर्न दिया है ना पैच, वो काफ़ी प्यारा लगता है। स्ट्रिप्स में आपको थोड़ा सा स्टिच करवाना पड़े क्योंकि इसके स्ट्रिप्स जो थे ना थोड़े लॉन्ग थे और इसका नेक थोड़ा सा डीप हो रहा था, तो मैंने इसको बैक साइड से कुछ इस तरीके से स्टिच भी कर लिया है। कुछ इतना मैंने 2 इंचेस जितना फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और मटेरियल की बात करें तो इट्स काइंड ऑफ जैकेट का जो मटेरियल है जॉर्जेट काइंड ऑफ मुझे लग रहा है और ये पॉलिस्टर काइंड ऑफ मटेरियल है। ब्लू कलर के साथ में जो पिंक कलर का टच दिया है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये पैटर्न तो काफ़ी अच्छा है बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स है जो मुझे पसंद नहीं आए हैं। तो ये सेम पैटर्न है ना मैंने एक मार्केट में देखा था तभी मुझे काफ़ी प्यारा लगा था, तो आई थॉट कि मुझे ये परचेज करना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है वैसे तो, बहुत ही अच्छा लुक देता है। लाइक इट्स अन इवन काइंड ऑफ, इसमें भी आपको पैड मिलते हैं, लाइटली पैडेड है। इसका ब्लाउज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है बट इसका जो बॉटम वेयर है इट्स अ स्कर्ट, ये जो स्कर्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है और इतना लॉन्ग है कि हिल वेयर करने के बाद में भी ये थोड़ा सा नीचे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लग रहा है। सो मुझे इसको अल्टर नहीं करवाना था एंड मुझे पर्सनली इसका जो फैब्रिक है ना वो भी इतना अच्छा नहीं लगा है।
सांग्रिया का जो कॉर्ड है इसमें भी आपको थ्री पेयर्स मिलेंगे, लाइक बॉटम, इसका एक क्रॉप टॉप एंड इसका जैकेट। जैकेट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इसका जो क्रॉप टॉप है ना, ये आपको लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट लग सकता है, बट अगर पैटर्न पसंद आए तो आप रख सकते हो। इसका एक प्रॉब्लम है कि ये जो पैटर्न दिया है पूरा ओपन है, इट इज ओपन लाइक दिस, ओके। सो आप जब इसको वेयर करते हो ना तो ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है ना, तो इसको आप यहाँ पे स्टिच कर सकते हो। बॉटम वेयर है, इसका भी थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पे उन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्लेट्स जो है स्टिच किए हैं, और नीचे बॉटम में ना आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न है। फ्रंट से प्लेन है एंड बैक से जो है इलास्टिक फिट है, तो इजीली आप उसको एडजस्ट करके वेयर कर सकते हो। थोड़ा सा धोती काइंड ऑफ लुक आपको देता है। ये है जैकेट मुझे बहुत ही पसंद है, ये भी काफ़ी प्यारा है। इसका जो स्लीव्स है फुल स्लीव्स है, गोल्डन एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लगता है।